सीमांचल के इलाके में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की परिवर्तन यात्रा होनी है। उससे पहले पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन जेडीयू से वापस आरजेडी में आ गए हैं। मतलब साफ है, लालू सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक पर खोई पकड़ बनाना चाहते हैं। ये और बात है कि तस्लीमुद्दीन महानंदा बेसिन का सवाल उठाते हैं और नीतीश कुमार को 100% झूठा होने का आरोप लगाते हैं। फर्क है कि वो 100% झूठ बोलता है। ये तो काम करते हैं और हम साथ में रह के काम किया है भाई। 10 साल हम तो समाजवादी में से आए, इनके साथ तो तब से काम किया और रात के 12 बजे भी हम लोगों ने जो है नहीं कोई जनहित का स्कीम में बात किया। तो जिस महानंदा बेसिन योजना के सवाल पर तस्लीमुद्दीन ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया, उस सवाल पर जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि इसका पहला फेज पूरा हो चुका है। वे तस्लीमुद्दीन के आरोप को भी सिरे से खारिज करते हैं। अभी तो महानंदा योजना का पहला फेज जो हम लोगों ने पूरा किया है, जो लगभग 149 करोड़ के आसपास का फर्स्ट फेज का सैंक्शन था, उसमें से लगभग हम लोगों ने 110-112 करोड़ के आसपास काम करके जो महानंदा बेसिन के लोअर पार्ट में जो एम्बैंकमेंट का रेजिंग स्ट्रेंथनिंग का काम था या फिर उस पर ब्रिक सोलिंग का काम था, फर्स्ट फेज का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। लालू प्रसाद की नज़र जेडीयू के और कई नेताओं पर है। इस मामले में लालू अब उदार ही नहीं दिखते बल्कि खुद में सुधार का मैसेज भी देना चाहते हैं। समाप्त करने की कोशिश में हम हैं और इस संदर्भ में ऐसे समय में लोग आए हैं तो हम लोग तस्लीमुद्दीन साहब को भी सलाह दिया है कि जो भी साथी हम लोगों की वजह से या किसी के वजह से कहीं कोई नाराज हो, ठोक ठेठा के उसमें से फिल्टर करके मेन स्ट्रीम में लाना है लोगों को, सबको। लालू प्रसाद की नज़र में परिवर्तन यात्रा है, इसलिए वे तस्लीमुद्दीन को पार्टी में लाकर गौरव भाव से भरे हुए हैं। नहीं तो ये लालू प्रसाद से ज्यादा किसे मालूम है कि तस्लीमुद्दीन के कहने पर दिए टिकट में से कितने उम्मीदवार जीत हासिल कर पाए थे। पटना से आर्य न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियंवत की रिपोर्ट।